शलोम औ मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा हमारी वीडियो देखिए मजे लेने के साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और आप में से बहुत से विश्वासी ने हमारे आर्य समाज टूनियों के साथ जो डिबेट हुई थी उसका भी पूरा पूरा आनंद उठा लिया होगा। तो जब मैं कुछ दिनों से पुराणों की पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ था तो बहुत सारे टूनियों को ये लगने लगा कि ये आर्य समाजों के सामने तो टिक नहीं पाएंगे। तो आर्य समाजों को उन्होंने आगे किया और आर्य समाजों की हालत हम लोगों ने क्या करी वो आप लोगों ने देखी। तो इस बात से बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उनके जो चोट लगी है उसके आंसू उनकी आंखों की जगह कहीं और से निकलने लगे हैं। और इस भड़ास को मिटाने के लिए एज यूजुअल वो बाइबल के ऊपर अनाप शनाप बकवास करनी शुरू कर दी। और जिससे कुछ हमारे विश्वासी भाई बहन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि गुरु घंटा लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि किंग जेम्स वर्जन बाइबल जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है उसके अंदर दूसरा राजा 24:8 में लिखा है यहोयाकीम जब 18 साल का था तो वो यरूशलम का राजा बन गया। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा इतिहास 36:9 में लिखा है कि जब वो 8 साल का था तो वो राजा बन गया। तो किंग जेम्स वर्जन बाइबल ये कहती है और इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। पर जो न्यू इंटरनेशनल है वो ये कहती है दोनों तरफ उसने 18:18 लिखा, यानी कि न्यू इंटरनेशनल जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है और जो किंग जेम्स वर्जन है वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता इससे प्रॉब्लम कॉन्ट्रडिक्शन से है या जो उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन दूर करा है उससे प्रॉब्लम है। अगर बंदे को कॉन्ट्रडिक्शन से प्रॉब्लम है तो भाई तू कॉन्ट्रडिक्शन पे वा। अगर तेरे को प्रॉब्लम है कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने दोनों तरफ 18-18 साल क्यों किया है, इससे प्रॉब्लम है, तो इस पे आ। और मजे की बात यह है कि ये मुद्दा वो उठा रहा है जो खुद आर्य समाजी है। और आर्य समाजी विशुद्ध मनुस्मृति, विशुद्ध वाल्मीकि रामायण, विशुद्ध महाभारत, वेदों में मिलावट करके बैठे हैं और जहां जहां भी गड़बड़ थी उसको भाष्य को टेढ़ा मेढ़ा करके बैठे हैं वो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो बात हंसने वाली है, पर क्योंकि है तो ये दयानंदी और पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूंकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज और ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे टुनियो, तुम जितनी चाहे वीडियो बाइबल पर एक्सपोज करने के लिए बोलो लो, उस सब का जवाब हमारे पास है। और जो भी अपना ज्ञान तुम लोग पेल रहे हो बेटा, तुम्हारे उसमें बहुत सारे लूप होल है। मैं उसका आंसर कर सकता हूँ तो, पर मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम में से कोई वही सवाल लेके हमसे फंसेगा उसको फिर हम वहीं रख के अच्छे से रखेड़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें बात करनी है कौन सी वाली बाइबल को माना जाए तो किंग जेम्स वर्जन जो ऑथेंटिक है उसी को साथ मानेंगे। ये तो वो बात होगी कि टुनियों की गीता प्रेस गोरखपुर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है उसकी तुलना हम आर्य समाजों के जो धर्म ग्रंथ है उससे करें, क्योंकि आर्य समाजों के धर्म ग्रंथ की सच्चाई केवल आर्य समाजों तक सीखते, सारे टुन्नी नहीं मानते। हाँ, कुछ बेवकूफ आजकल उसे फॉलो करने लगे हैं, पर जो जानकार हैं वो आर्य समाज के ग्रंथों को नहीं मानते। तो बात आती है फिर क्या किंग जेम्स वर्जन में कॉन्ट्रडिक्शन है? तो जवाब है कि नहीं, किंग जेम्स वर्जन के अंदर इस बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 8 साल भी सही है और 18 साल भी सही है। और यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है या ये कुछ बिब्लिकल प्रॉब्लम जो अक्सर आप लोग के सामने आती है इसका जवाब सही क्या है, तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उस चैनल का नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स। ये मेरा बैकअप चैनल था और मैं बहुत टाइम से इस बात को सोच रहा था कि इस पर मैं जितनी भी बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को अपलोड करूं, तो भला हो इन टुनियों का इन्होंने मुझे ये मौका दे दिया। यदि आप लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आप बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या बाइबल में कुछ बिब्लिकल प्रॉब्लम्स है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सारा आंसर मेरे इस चैनल पे मिलेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इस चीज़ को जल्द से जल्द जानने के इच्छुक हैं। तो मेरा टारगेट है कि आप जल्द से जल्द उसे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं अपना चैनल लॉन्च कर दूंगा और आपको बाइबल में से आंसर्स देने शुरू कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे आंसर्स मैंने इस चैनल पे भी देने की कोशिश करी है और मैं उस वीडियोस को भी उस पर अपलोड करूंगा और इस चैनल के भी बहुत सारे वीडियोस मैं उस पर भी अपलोड करूंगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, बाइबल के जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उनको जान लिए ताकि आप लोग तैयार हो सकें, ताकि जो युद्ध हम लड़ रहे हैं एक तरफ इन लोगों से सवाल क्या करना है, तो अगर कोई पूछ लेता है सवाल तो उसका जवाब क्या देना है। तो जल्द से जल्द आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द उस पर 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि भाई मेरी मेहनत का कुछ नतीजा, कुछ फल मिल रहा है और मेरे को भी काम करने में थोड़ी उत्साहितता रहे। अगर रिजल्ट डाउन रहता तो फिर अपना भी, हमारी भी मेहनत लगती है, उस काम को करने में इच्छा नहीं होती। तो आज से हम आर्य समाजों को एक्सपोज करना शुरू करेंगे।
आर्य समाजियों के वेद, आर्य समाजियों के सत्याश प्रकाश वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं उन सबको हम एक्सपोज करेंगे कि आर्य समाजियों के जो डैडी जी हैं दयानंद सरस्वती, उनका आईक्यू लेवल क्या था। और इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई लोग, जो भी आप सुनोगे, जो भी आप पढ़ोगे, इस चीज में अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आर्य समाजियों की किताब में ना ही दिमाग और ना ही लॉजिक से कोई लेना देना है। तो आज की हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज की वीडियो में भी जो भी रेफरेंसेस दिए जाएंगे वो मेरे सोल्जर ऑफ गॉड टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां से रेफरेंस उठाइए और टुनियों की बैंड बजाइए। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आर्य समाजी स्त्रियों का बहुत सम्मान करता है, वो जातिवादी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो हर एक को समान मानता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या दयानंद सरस्वती इस बात पे जोर देते थे, या असल में वो एक सीधे साधा टुन्नी था और एक नंबर का रेसिस्ट इंसान था। वो कहते हैं ना, किसी इंसान के दिल में जो चीज़ भरी होती है वो अक्सर उसी के विचारों में व्यक्त हो जाती है। तो आज हम इस चीज़ को चेकआउट करेंगे और जो आर्य समाजियों ने अपने वेदों में फेरबदल करे हैं और अर्थ का अनर्थ किया है, पर उसका अर्थ का अनर्थ करके उसने अपने आप को एक्सपोज किया है, उस चीज को हम देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्य समाजियों के यजुर्वेद का अध्याय 14 और मंत्र 9। इसका पदार्थ भाष्य आर्य समाजी कुछ इस तरीके से करते हैं। स्त्री व पुरुष शरीर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल, प्रजा की रक्षा, राजा के सम्मान, कामना के योग्य, सुखदायक छंद, बलयुक्त क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल की प्रेरणा करें, वैश्य की रक्षा हेतु अधिष्ठात पुरुष, नर के समान तू, वन न्याय विनय को प्राप्त हेतु छंद स्वादी पुरुष को प्रेरणा करें, विश्वकर्मा सब उत्तम कर्म करने हारे, प्रमेष्टि सबके स्वामी राजा के समान तू, चाहने योग्य छंद स्वतंत्र को बढ़ाए, व्यस्त व्यवहारों से युक्त पुरुष के समान तू, वे अनेक प्रकार के व्यवहारों में व्यापी बलम विधि बल के हेतु छंद आनंद को बढ़ा, सुख सोचने वाले सदृश तू, शालमा विस्तार युक्त वे सुखदायक छंद स्वतंत्र को बढ़ा, पुरुषार्थ जानने के तुल्य तू, चाहने योग्य कुटुंब को धारण रूप कर्म और बल को बढ़ा, जो विधित प्रकार के पदार्थों की इच्छे प्रकार सूंघता है उस जंतु के तुल्य राजा तू, चाहने योग्य दृढ़ बल को बढ़ा, पशु आदि को मारने हारे सिंह के समान पराक्रमी राजा तू। और ये लोग कहते कि हमारे धर्म ग्रंथों में जीव हत्या नहीं होती। पराक्रम के साथ निरोध और प्रकार को बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे शुरू होते हैं रेसिज्म। पीठ पे बोझा उठाने वाले ऊंट आदि से दृढ़ वैश्य तू, यानी जो वैश्य है वो ऊंट के समान बोझा ढोने वाला है। बड़ बलयुक्त पराक्रम को प्रेरणा कर, सींचने हारे बैल के तुल्य शूद्र तू, यानी कि जो शूद्र है उसकी औकात एक बैल की तरह यानी गुलाम की तरह है। अति बल के हेतु दिशाओं और आनंद को बढ़ा, शीघ्रंत पशु के तुल्य मृत तू, बल के साथ उत्तम बड़ी स्वतंत्रता की प्रेरणा कर। यानी कि ये जो था, ये था इस मंत्र का पदार्थ, यानी जो संस्कृत में लिखा है उसका वर्ड टू वर्ड क्या मीनिंग है वो दयानंदियों ने अपने हिसाब से बता दिया। अब उसका देखते हैं अर्थ। अब आएगा मजा। इस मंत्र में श्लोक और वाचा कलुप्त मंडलकार है और पूर्ण मंत्र में एक एर पद की अनुमृति आती है। स्त्री पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण आदि को स्वतंत्र कर वैदिक शास्त्र का प्रचार, रस आदि त्याग कर और शत्रुओं का निवारण कर के बड़े बल के सदा बढ़ाया कर। ये क्या है? मतलब ये कि ऊपर रामायण कुछ और बज रही है और नीचे जो लिखा जा रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं। आपके सामने पूरा का पूरा पदार्थ और उसका अर्थ भी हैगा, इसमें से कोई मुझे ये समझा दे यहाँ पे कहाँ लिखा है कि वेदों का प्रचार कर, कि स्त्री और पुरुष ने पता नहीं कौन से लोगों को गुलाम बना रखा, ब्राह्मण को गुलाम बना रखा, वैश्य को गुलाम बना रखा है, शूद्र को गुलाम बना रखा है, कि भाई इन्होंने वेद मंत्र का प्रचार करना है। और एक चीज में गौर करिएगा कि शत्रुओं को विनाश कर ताकि वेद मंत्र का प्रचार किया जा सके।
कौन है शत्रु? जब वेद आए थे तो सारे दुनिया में तो टुन्नी ही तो थे। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि इधर पे दयानंद ने जो गोल गोल चरखी घुमाई है और जो जलेबी बनाई है जिसमें से किसी को कुछ नहीं समझ में आया, इनफैक्ट आर्य समाजों को भी नहीं पता कि यहाँ क्या लिखा है, इसका ओरिजिनल अर्थ क्या है, मैं यहाँ पे आपको वेद भाष्य दिखा रहा हूँ और यहाँ तक कि गायत्री परिवार का भी लगा रहा हूँ, दोनों के दोनों एक साथ लगा रहा हूँ, आप उसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो यजुर्वेद 14 का 9 का ओरिजिनल अर्थ क्या है जिसको दयानंद ने छुपाने की कोशिश करी? प्रजापति ने गायत्री छंद से मृदुर ने ब्राह्मण को उत्पन्न किया, प्रजापति के वय छंद से संरक्षणशील क्षत्रियों को उत्पन्न किया, आयु अधिपति ने विशिष्ट छंद से वैश्यों को उत्पन्न किया, विश्वकर्मा ने पराश छंद से शूद्रों को उत्पन्न किया, प्रजापति ने पद छंद से भेड़ों को उत्पन्न किया, उन्होंने पंक्ति छंद से मनुष्यों को उत्पन्न किया, उन्होंने विराट छंद से वेग को उत्पन्न किया, उन्होंने अतिजयंती छंद से सिंह को उत्पन्न किया, प्रतिवती छंद से भारी पशुओं को उत्पन्न किया, उन्होंने कुप छंद से अक्ष जाति को उत्पन्न किया, उन्होंने शब्द छंद से ऋषभ यानी भालू को उत्पन्न किया। यानी कि अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पे जो जीव जंतु की उत्पन्न होने की और जो चारों वर्ण है उनके उत्पन्न होने की बात हो रही है, पर दयानंद को यह पता था कि इसमें चार वर्ण की बात आई तो उसने उसकी जलेबी बना दी। तो जहाँ पे अतिजक्ति छंद से सिंह को उत्पन्न करना था वहाँ पे दयानंद ने लगा पशु आदि को मारने हारे सिंह के समान पराक्रमी राजा तू। अब आप लोग मुझको ये बताइए कि कौन फेरबदल कर रहा है वेदों में और अन्य अन्य भाष्यों में, जबकि जो नॉर्मल टुन्नी ग्रंथ है वो एक ही बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ये पर बकैदी आ रही है आर्य समाज के वेदों में, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो वैश्य है वो ऊंट के समान है और जो शूद्र है वो बैल के समान है। यहाँ पे लॉजिक का कोई सर और पैर ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या रेसिस्ट की बात करी गई। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे आर्य समाजों का यजुर्वेद 30:21। इसका पदार्थ इस प्रकार से बताया गया है, हे परमेश्वर व राजन, आप अग्नि के लिए मोटे पदार्थ को, पृथ्वी के लिए बिना पगों के गडीरे के चलने वाले सांप आदि को, आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, बांस में नाचने वाले नट आदि को, सूर्य के ताप में मिलने के लिए बंदर की सी छोटी छोटी आंखों वाले क्षति प्राप्त देशी मनुष्य को, चंद्रमा के तुल्य आनंद देने के लिए थोड़े श्वेत वाले और दिन के लिए शूद्र पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए, वायु के स्पर्श के अर्थ क्रीडा के अर्थ प्रवर्त को, गंजे को राज्य विरोध के लिए प्रवर्त हुए के लिए, बकरे को और अंधकार के लिए प्रवर्त हुए काले रंग वाले पीले नेत्र वाले पुरुष को दूर कीजिए। तो यहाँ से ये आपको समझ में आता है कि राजा को किस किस को दूर करना है, जो गंजा हो उसको दूर करना है, जिसकी आंखें पीली हो उसको दूर करना है, जिसकी और जिसकी आंखें बंदर की तरह छोटी छोटी हो उसे दूर करना है, और सबसे बड़ी बात भाई इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा दूर कर रहा, इसे कहते हैं जातिवाद। अब ऊपर जो भी कुछ लिखा है उसके नीचे जो जलेबी बनी है आप उसको सुनिए, अग्नि से स्थूल पदार्थों को जलाने में सामर्थ्य होता है, सूक्ष्म को नहीं, पृथ्वी पर निरंतर सर्प आदि फिरते हैं किंतु के शरीर में आए वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं होता, इत्यादि का तात्पर्य जानना चाहिए। आप लोगों को कुछ समझ में आया या सब कुछ बाउंस हो गया? असल में यहाँ पे कुछ भी समझ में ना, क्योंकि दिमाग तो यूज कर रहा ही नहीं है। ऊपर कहता है इन लोगों को दूर करो और यहाँ पे भैया पता नहीं क्या कहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका ओरिजिनल मतलब क्या है। तो इसे जानने के लिए पढ़ेंगे यजुर्वेद 30:21 का ओरिजिनल अर्थ, और इसमें भी मैं दोनों वेद भाष्य लगा रहा हूँ, गायत्री परिवार और जो मेरे पास है, और दोनों के दोनों का अर्थ सेम टू सेम ही। आग से जुड़े कार्य हेतु पुष्ट को, पृथ्वी के लिए आसन पर बैठने वाले को, वायु को सहन के लिए चांडाल को, अधर में लौटने जैसे काम के लिए बांस पर नृत्य करने वाले को नियुक्ति करनी चाहिए, स्वर्ग लोग हेतु खगोल विज्ञान को, सूर्य हेतु हरे रंग वाले को, नक्षत्र के लिए नागिन रंग वाले को, चंद्र हेतु किलास चर्म लोग विशेष वाले को, सफेद रंग हेतु पीली आंख वाले को, रात्रि के लिए काल्पित आंख वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए।
और दयानंद क्या कह रहा था, दूर किया जाना चाहिए। यानी कि एक जगह ये कहा जा रहा है कि भाई इस काम के लिए इस बंदे को ड्यूटी देनी चाहिए, और दयानंद कह रहा है कि इन सबको, राजा को दूर कर देना चाहिए। ये भाई साहब कौन सा नमक सूंघ के भाई इन लोगों ने लिखा है। और लास्ट नॉट लीस्ट, इसे गौर से सुनिएगा, जो आर्यव्रत देश में विन देश हैं वे दस्यु और मलेश कहलाते हैं। मतलब ये जो आर्यव्रत यानी उनके बीच में भी जो दूसरे देश हैं वो मलेश और दस्यु कहलाते हैं। अब आप मलेश शब्द शायद सुना हो पर आपको इससे शायद फैमिलियर ना हो। मलेश का मतलब वो लोग हैं जो टुनियों के या भारत से बाहर के लोग रहने वाले हैं, जैसे अमेरिकन हो गए और गल्फ कंट्री वाले हो गए, इधर उधर वाले। और मलेश बहुत सारी इसमें लपेटा है, पर मलेश का जो काइंड ऑफ मतलब होता है उसे कहते हैं लाइक अ शिट। तो दयानंद और आर्य समाजों के हिसाब से जो भारत से बाहर के लोग हैं वो लोग हैं मलेश, जैसे कि शिट। और आगे पढ़ते आगे क्या लिखते, इससे भी ये सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व देश में लेकर ईशान, उत्तर, वाय और पश्चिम देश में रहने वाले का नाम दस्यु और मलेश तथा असुर है। अब सवाल होता है ये मलेश, असुर और दस्यु कौन है। थोड़ा और पढ़ते हैं, और इसी दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश के से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अभी भी देख लो हबशी लोगों का रूप भयंकर, जैसे राक्षस का वर्णन किया जाता है वैसा ही दिख पड़ता है। यानी के दयानंद के हिसाब से जो नीग्रोज हैं, हबशी हैं, काले लोग हैं, वो राक्षस हैं, वो मलेच हैं, लाइक शिट हैं, और वो दस्यु हैं। और जो आर्य थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और बाकी सबको नीच दृष्टि से देखते थे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम दो तीन पॉइंट्स में पहुंचे कि दयानंद को गंजों से प्रॉब्लम थी, दयानंद को छोटी आंख वालों से प्रॉब्लम थी, दयानंद को काले हबशियों से प्रॉब्लम थी। दयानंद की जो मेंटेलिटी थी वही थी जो सेम टू सेम टुनियों की है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि दूसरे वेद भाष्य क्या कह रहे हैं और दयानंद उनमें कितनी सफाई से फेरबदल कर रहा है, पर खुद उसे कन्फ्यूजन है कि वो क्या बदल रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिन चीज़ों पे आर्य समाज हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, असल में फेरबदल और लुक्का छुपी का खेल तो भाई ये लोग ही खेलते। और ये वीडियो तो केवल इंट्रोडक्शन है, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या चीज़ें खुलती हैं और क्या क्या विज्ञान और नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप आर्य समाजों की किताबें पढ़ रहे हैं तो दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, लॉजिक का कोई लेना देना है ही नहीं। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। प्रभु आपको धन्यवाद।